इंदौर की भवरकुआ पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जिसमें पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 13 महंगी बाइक सहित चोरी के 10 मोबाइल बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर की भवरकुआ पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग सस्ते दामों में महंगी मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में घूम रहे थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया और बदमाशों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने 15 महंगी बाइकों को चुराने की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की 13 बाइक सहित 10 मोबाइल बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी है। मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर 5 युवकों को पकड़ा गया है, जिनके बारे में सूचना थी कि ये इंदौर के और आसपास के थाना क्षेत्रों से मोटरसाइकिलें, महंगी मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद इनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना पर 5 व्यक्तियों को जब हिरासत में लिया गया, तब उनके द्वारा कबूल किया गया कि शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र, विजयनगर, लसूड़िया और आसपास के देहात थाना क्षेत्र किशनगंज, पीथमपुर से इनके द्वारा करीब 15 मोटरसाइकिलें चोरी की गई थी, जो इनके द्वारा अलग अलग जगहों पर अपने घरों में और पार्किंगों में छिपा कर रखी गई हैं। सूचना इनसे प्राप्त कर करीब 13 मोटरसाइकिलें, जो कि काफ़ी रेसिंग बाइक्स हैं, वो बरामद कर ली गई हैं। 3 जो व्यक्ति हैं, मनोज पिता हरि नारायण 28 साल निवासी जयनगर पीथमपुर, करण पिता संतोष निवासी किस कॉस्मोस कॉलोनी किशनगंज, और विकास उर्फ नीरज उर्फ अंग्रेज पिता अरुण तिवारी निवासी मान तारा पीथमपुर, इनके साथ में 2 अन्य जो जुविनाइल थे उनको भी अरेस्ट किया गया है। 3 बालिग आरोपियों का पुलिस रिमांड प्राप्त कर उनसे और मोटरसाइकिल चोरी के बारे में पूछताछ की जा रही है। इनके पास से 10 के करीब ऐसे मोबाइल मिले हैं जो कि इनके द्वारा लोगों से झपट मारी कर छीने गए थे। मोबाइल के बारे में, मोबाइल के फरियादियों के बारे में विवेचना की जा रही है कि किन घटना स्थलों से ये छीने गए थे। सर, क्या कारण रहता था इनका चोरी करने का और ये क्या आदत है? ये पूर्व से आदतन अपराधी हैं। इनमें से जो 5 व्यक्ति हैं, 5 में से लगभग 3 के रिकॉर्ड हैं पूर्व से मारपीट के, चोरी के, और इनका नशे के आदि हैं। इस कारण से ये लगातार वाहनों की चोरी करके और छोटे मोटे दामों को लेकर के और बेच करके ये फिलहाल गिरफ्त में आए बदमाश न सिर्फ इंदौर बल्कि आसपास के क्षेत्रों में चोरी और मोबाइल लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। इंदौर से गणेश चौहान की रिपोर्ट।